व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू मुनीब टेक। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था स्नैपचैट का अकाउंट डिलीट कैसे करें, या फिर आप कह सकते हैं डीएक्टिवेट कैसे करें 2022 में। तो गाइस, अब मैं उसी अकाउंट को फिर से रीएक्टिवेट कर लूँगा आप लोगों के सामने विद प्रूफ। तो गाइस, वीडियो पर बने रहना। तो गाइस, अगर आप भी एक स्नैपचैट यूज़र हो, यानी कि अगर आप भी मेरी तरह स्नैपचैट को यूज़ करते हैं, यदि आप लोगों ने भी अपना स्नैपचैट का अकाउंट डीएक्टिवेट किया है, यदि आप भी उस अकाउंट को फिर से वापस लॉगिन करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसा रियल ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग यूज़ करके फिर से अपने स्नैपचैट आईडी को रीएक्टिवेट कर सकते हैं 2022 में। तो दोस्तों, आज सुबह मुझे किसी बॉय ने इंस्टाग्राम के अंदर इसी टॉपिक पर मैसेज की, मुनीब भाई मैंने अपना स्नैपचैट का अकाउंट डीएक्टिवेट किया है, प्लीज़ यार अब मुझे बताओ उसको फिर से रीएक्टिवेट कैसे करना है, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना लो। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी 101% सीख जाओगे स्नैपचैट आईडी को रीएक्टिवेट कैसे करें 2022 में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, प्लीज़ यार वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मस्त मस्त कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है आप लोग इंस्टाग्राम में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो हे गाइस, दिस इज मुनीब एंड वॉचिंग टेक मुनीब। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, अब बढ़ते हैं वीडियो के और। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कौन सी जेन्युइन ट्रिक है जिसे आप लोग यूज़ करके अपने स्नैपचैट आईडी को फिर से रीएक्टिवेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो गाइज, चलो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाऊँगा। तो गाइज, फाइनली हम आ गए हो अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। यदि आपको भी स्नैपचैट का अकाउंट रीएक्टिवेट करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो भाई लोग उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको ये वीडियो लास्ट तक और स्टेप बाई स्टेप देखना होगा, उसके बाद आपका जो स्नैपचैट का अकाउंट है वो 101% फिर से लॉगिन हो जाएगा डीएक्टिवेट करने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, सिंपली आपको प्ले स्टोर की ऐप ओपन करनी है, उसके बाद फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपको ऊपर एक सर्च बार, आपको सर्च बार पर टैप करना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ टाइप करना है स्नैपचैट। हाँ जी दोस्तों, स्नैपचैट टाइप करने के बाद फिर आपके सामने स्नैपचैट की एप्लीकेशन आ जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले आपको स्नैपचैट की ऐप अपडेट करनी है, यदि आप लोग ने नहीं किया तो फिर कर लो, ये आपको लाजमी अपडेट करनी है, ठीक है। तो गाइस, उसके बाद फिर आपको होम स्क्रीन पर आना है। हाँ जी दोस्तों, होम स्क्रीन पर आने के बाद, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप लोग VPN को यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपको VPN को ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपडेट करनी है अपनी स्नैपचैट की ऐप। तो गाइस, स्नैपचैट की ऐप अपडेट करने के बाद फिर आपको सिंपली स्नैपचैट की ऐप ओपन करनी है, देन फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ दिखेगा साइन अप एंड लॉगिन। तो दोस्तों, आपको ऑलरेडी अकाउंट है स्नैपचैट के अंदर जो आपने डीएक्टिवेट किया है, अब मैं उसी अकाउंट को फिर से लॉगिन कर लूँगा आप लोगों के सामने। तो गाइस, सबसे पहले आपको लॉगिन पर टैप करना है। जी हाँ, सो लॉगिन पर टैप करने के बाद फिर आपको यहाँ परमिशन एलो करनी है। तो गाइस, उसके बाद फिर आपके सामने लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपके पास यूज़र नेम है तो फिर आपको यहाँ लिखा यूज़ ईमेल और यूज़र नेम, आप उस पर टैप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ डीएक्टिवेट अकाउंट का यूज़र नेम एंटर करना है। तो गाइस, डीएक्टिवेट अकाउंट का यूज़र नेम एंटर करने के बाद फिर आपको उसी अकाउंट का पासवर्ड भी एंटर करना है। तो गाइस, पासवर्ड को एंटर करने के बाद फिर आपको नीचे देखा लॉगिन, आपको लॉगिन पर टैप करना है। तो गाइस, लॉगिन पर टैप करने के बाद बूम गाइस, यहां पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं। फिर आपको यहां देखिए टर्न ऑन, आपको टर्न ऑन पर टैप करना है। उसके बाद फिर आपको परमिशन वगैरह एलो करनी है, एलो देन एलो। उसके बाद फिर आपके सामने इस तरह आ जाएगा। तो गाइस, सिंपली आपको बैक आना है। जी हाँ, सो बैक आने के बाद फिर आपको नीचे देखेगा चैट आइकन, आपको चैट आइकन पर टैप करना है। तो दोस्तों, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ लाइव प्रूफ भी देख सकते हैं, वो मैंने अकाउंट डीएक्टिवेट किया था, अब मैंने उसी अकाउंट को फिर से एक्टिवेट किया है, या फिर आपके से रीएक्टिवेट किया है, ठीक है। जी हाँ दोस्त, अगर आप भी अपने स्नैपचैट के अंदर इस ट्रिक को अप्लाई करोगे, उसके बाद आप लोग भी अपने स्नैपचैट आईडी को फिर से रीएक्टिवेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, या फिर आप कह सकते हैं 2022 में। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर करना ना भूलिए, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।